welcome in a part of lecture third in third lecture we will cover homogeneous functions and uh, the result based on this in a part and b part we will cover this topic and uh, the question based on uh, homogeneous functions there are 20 near about 20 questions which are in your syllabus and uh, these questions we will solve in fourth lecture in today lecture we will first give the definition of homogeneous functions and uh,

दैन एलरथोरम कहती है कि एक्स इंटू कर ली यू बाई कर ली ऑफ एक्स प्लस वाई कर ली यू बाई कर ली ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू एन इं टू यू फॉर दिस यू इज़ होमोजीनियस फंक्शन ठीक है तो समटाइम क्वेश्चन ये डायरेक्ट आ जाता है कि एक्स कर ली यू बाई कर ली एक्स प्लस वाई कर ली यू बाई कर ली वाई इज इक्वल टू एन यू तो इन द लेक्चर एंड बी पार्ट ऑफ थर्ड वी विल कवर दीज फोर रिजल्ट तो फर्स्ट वट इज़ ए होमोजीनियस फंक्शन वी विल कवर दिस टॉपिक तो पहले हम इसकी डेफिनेशन करने वाले हैं एंड देन दो तीन हम एग्जाम्पल करेंगे आज कि क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है है तो इसकी डिग्री कितनी है ठीक है तो लेट इस स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन तो टू डिफाइन द होमोजीनियस फंक्शन आई पिकिंग अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई एंड दिस फंक्शन इज सेट टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन समटाइम्स सम बुक्स के सेड कि होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन इफ एफ ऑफ जहाँ आपका एक्स है यू विल रिप्लेस दिस बाय टी ऑफ एक्स एंड जहाँ वाई है उसे आप रिप्लेस करेंगे टी ऑफ वाई एंड इफ़ यू विल एबल टू राइट दिस फंक्शन एफ इन दिस फॉर्म टी की एन एंड जो फंक्शन आपका एफ था वही आपका यहाँ आना चाहिए अगर आप ऐसे लिख सकते हो तो यू कैन से यूर फंक्शन एफ़ इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री दिस टी की जो पावर होगी दैट इज़ यर डिग्री है एंड टी इज़ एनी पॉजिटिव नंबर तो एफ ऑफ एक्स वाई को आप होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एंड कहेंगे अगर आप इस एक्सप्रेशन में मतलब जहाँ एक्स है वहाँ टी एक्स कर देंगे जहाँ वाई है वहाँ आप टी वाई करेंगे एंड आंसर इज टी की एंड एफ ऑफ एक्स वाई देन यू कैन से योर फंक्शन इज़ होमोजीनियस जैसे कोई एग्जाम्पल कहते हैं आई आई ऑलरेडी रिटर्न हेयर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर सिक्स वाई की पावर सिक्स बाई एक्स की पावर फोर माइनस वाई की पावर फोर एंड दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू तो देर आर टू थ्री डेफिनेशंस आई एम डूइंग दिस बाई फर्स्ट डेफिनेशन एज आई टोल्ड हेयर मैंने क्या कहा कि दिस इज़ एट टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन टी की पावर एन फॉर्म होना चाहिए तो आपने क्या करना है आपने टी इंटू एक्स कमा टी ऑफ वाई आपको ये फंक्शन फाइंड आउट करना है यानी कि आपके आंसर में जहाँ एक्स है वहाँ आप क्या रिप्लेस कर देंगे टी एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ आपको मिलेगा टी एक्स की पावर सिक्स एंड इन प्लेस ऑफ़ वाई यू विल राइट हेयर टी वाई की पावर सिक्स एंड यहाँ आपको मिलेगा टी एक्स की पावर फोर एंड सॉरी हेयर इज़ माइनस साइन सो दिस इज़ टी ऑफ़ वाई की पावर फोर तो फ्रॉम अबाउट टर्म यू कैन टेक टी की पावर सिक्स आउटसाइड दैन हेयर विल भी एक्स की पावर सिक्स वाई की पावर सिक्स एंड द लोअर टर्म में आपका क्या होगा टी की पावर फोर एंड एक्स की पावर फोर माइनस वाई की पावर फोर तो दिस इज टीज क्या एंड इट्स एक्स की पावर सिक्स प्लस वाई की पावर सिक्स एक्स की पावर फोर वाई की पावर फोर दिस इज़ नथिंग बट माई फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इफ आई रिलेट माई डेफिनेशन विद द

अगर यहाँ पे डिग्री आपकी थ्री आ जाती है तो यू कैन से दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री थ्री तो ये तो है पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन सम बुक्स हो सकता है आपकी बी की बुक में आपको कुछ इस फॉर्म में भी गिवन हो अनदर डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन अनदर वे क्या है इसका आपका एफ ओ वाई ठीक है ठेके? उसको अगर आप इस फॉर्म में लिख सको क्या एक्स की पावर एन तो आप एक नया फंक्शन ये फंक्शन एफ़ है बच्चे एंड ये फंक्शन आपका कैपिटल एफ़ है मतलब दीज आर डिस्टिक फंक्शंस यहाँ तो आपका फंक्शन एफ था यहाँ पर भी फंक्शन एफ था दोनों फंक्शन सेम थे बट यहाँ क्या है अगर आप एक्स की पावर एन दे देते हैं तो एवरी टर्म इन दिस फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ वाई बाई एक्स अगर आपने वाई के एन लिख दिया जरूरी नहीं है ये लिखोगे आप ये भी कह सकते हो यू कैन राइट और एफ ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू वाई की एन तो एवरी टर्म इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्स बाय वाई तो अगर ये डेफिनेशन है तो आप तब भी कह सकते हैं कि योर फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन या ऑर्डर एन जैसे यही क्वेश्चन है हम सेम क्वेश्चन को अनदर वे से करते हैं तो नाउ द अनदर वे टू शो दिस इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन हेयर एफ ऑफ एक्स वाई इज दिस फ्रॉम दिस टर्म यू कैन टेक एक्स की पावर सिक्स का आउट तो हेयर वन प्लस वाई बाई एक्स की पावर सिक्स हो जाएगा similarly from the below term you can take x key power 4 outside so here is y minus uh, sorry 1 minus y by x key power 4 now this f of xy this can be written as x key power 4 x key power 6 so 6 minus 4 that will gives you 2 so here what you obtain 1 plus y by x ke power 6 and here is 1 minus y by x की पावर फोर तो दिस इज़ a न्यू फंक्शन इन polynomial ऑफ y by x quotient है दो polynomial का division है तो आप इसे नया फंक्शन कैपिटल एफ़ के फॉर्म में डिफाइन कर दो एंड एवरी टर्म इज़ वाई बाई एक्स फॉर्म देखो यहाँ वन है तो इसका मतलब वाई बाई एक्स की पावर जीरो है यहाँ पर तो यू कैन राइट योर एफ ऑफ एक्स वाई इन दिस फॉर्म तो दिस इम्प्लाइज दिस इज़ होमोजी फंक्शन ऑफ डिग्री टू अब जैसे मैंने ये भी लिख दिया आप इसे ऐसे भी कर सकते थे देखो थर्ड वे जो आपने इस फॉर्म में लिखा this this form, तो that, that right. x, है इफ़ सम स्टूडेंट राइट दिस इन दिस फॉर्म तो दैट दैट इज़ आल्सो राइट देखिए एफ ऑफ एक्स वाई है इन प्लेस ऑफ एक्स आई एम टेकिंग हेयर एक्स सिक्स इफ़ यू टेक वाई सिक्स आउटसाइड वाई सिक्स आउटसाइड लेंगे तो आंसर क्या बनेगा एक्स की सिक्स बाई वाई की सिक्स प्लस वन एंड फ्रॉम लोअर टर्म इफ़ यू आर टेकिंग वाई की पावर फोर आउटसाइड तो हेयर यू विल ऑबटेन एक्स बाय वाई की पावर फोर एंड माइनस का वन तो दिस इज़ वाई की पावर टू ना एंड दिस इज नथिंग बट एक्स बाई सिक्स की पावर सॉरी एक्स बाय वाई की पावर सिक्स प्लस वन एंड दिस इज़ एक्स बाय वाई की पावर फोर माइनस वन तो दिस इज न्यू फंक्शन तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि वाई स्र एंड यहाँ अब एक्स बाई वाई की फॉर्म का फंक्शन है तो दिस इज नॉट ए कैपिटल एफ फंक्शन दिस इज़ न्यू फंक्शन सो यू आर गिविंग द नोटेशन जी ऑफ एक्स बाय वाई तो यू आर एबल टू राइट योर फंक्शन इन द पावर ऑफ वाई की पावर टू एंड एक्स बाय वाई ऐसा नहीं हो सकता कि y की टू लो और यहाँ पे आप y वाई एक्स लो नो इन दैट केस दिस इज नॉट होमोजीनियस जो वेरिएबल आपने बाहर लिया है उसी को डिवाइड फॉर्म में जाएगा अगर एवरी टर्म इज फंक्शन ऑफ दिस फॉर्म देन यू कैन से यस दिस इज़ अ हॉमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू इन टू वेरिएबल ठीक है मे बी आपके पास हो थ्री वेरिएबल का लेट अस टेक द एग्जाम्पल इन विच फंक्शन इज एफ इज ए फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल टू डिफाइन थ्री वेरिएबल फंक्शन आई एम सिंग इफ यू इज होमोजीनियस फंक्शन अगर मैं कहती हूँ कि ये होमोजीनियस फंक्शन है दिस इज होमोजीनियस आप किनका होमोजीनियस फंक्शन है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स वो थ्री वेरिएबल कौन से हैं दे आर एक्स वाई एंड चेट ऑफ डिग्री एन अगर आपको ये गिवन है देन वी कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म देन वी कैन राइट u दैट इज़ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड अगिफ दिस इज होमोजीनियस फंक्शन देखिए अगर आप इसको x की पावर n करते हैं ठीक है तो आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज़ अ न्यू फंक्शन आप इसको कैपिटल लेफ्ट भी ले कर सकते हो स्मॉल भी क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन यू है अगर आपने एक्स के एन लिया है तो एवरी टर्म शुड बी ऑफ द फॉर्म वाई बाई एक्स एंड जेड बाई एक्स अगर आपकी मर्जी है आप एक्स की एन बाहर लेते हैं तो X से डिवाइड होगा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इफ़ यू आर टेकिंग वाई एन आउटसाइड इन दैट केस इसको एफ वन कर दीजिए तो यहाँ नया फंक्शन आ जाएगा क्योंकि वो वाई की एन है तो एक्स बाय वाई की फॉर्म बनेगी एवरी टर्म में एंड जेड बाई वाई बनेगा मान लो कोई स्टूडेंट कहते हैं नहीं मैम हमें वाई के एन नहीं लेना आई वॉन्ट टू शो दिस इन द अनदर वे तो यू कैन टेक जेड के एन आल्सो आउटसाइड तो इन दैट केस योर फंक्शन एफ इज़ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स बनेगा एंड एवरी टर्म किस फॉर्म में होगी जेड से डिवाइड हो जाएगा यानी कि एक्स बाय वाई की फॉर्म बनेगी एक्स बाय जेड की फॉर्म सॉरी एंड सेकेंड टर्म इज़ वाई तो वाई बाय जेड तो इस फॉर्मेट में अगर आप उसे लिख देंगे तो दिस इज़ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन हो जाएगा ठीक है आप वो भी कर सकते हैं एक्स की जिन्हा टी एक्स वाई की जंगा टी वाई जेड की टी जेड और अब वापस आप इसको अनदर जो फर्स्ट डेफिनेशन मैंने आपको करवाई आप उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं यू ऑफ टी एक्स वाई टी ऑफ वाई एंड टी ऑफ जेड आई एम सेइंग यू इज़ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल एक्स वाई जेड ऑफ़ डिग्री एन इफ़ यू कैन राइट दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ अगर ये यू ही आ जाएगा एक्स वाई एंड Z. दिस इज़ आल्सो द डेफिनेशन तो आप इनमें से कोई भी एक फॉर्म चेक कर लेंगे अगर वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो यू कैन से दिस इज़ ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ़ डिग्री एन इन थ्री वेरिएबल्स इन जनरल जनरल में आपके पास सम टाइम क्या होगा थ्री वेरिएबल कीजिएगा फोर वेरिएबल हो सकता है मे बी आपका जो यू है दैट इज़ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड सो ऑन जनरलाइजेशन लिख रहे हैं इफ़ सपोज देर आर एन वेरिएबल अगर यहाँ पे आप एन लेंगे तो इसकी डिग्री आप डिग्री डिफाइन कर लो आ, डिग्री को कुछ और ले लेते हैं जैसे आपने यहाँ एन ले लिया ना तो डिग्री एन नहीं लेंगे हम इसकी नोटेशन डिफाइन कर लेंगे लेट इज टेक डिग्री इज योर एम इन दैट केस आप इसका फॉर्मेट कैसे लिखेंगे एक तो फॉर्मेट यही है एवरीवेयर रिप्लेस कर देंगे टी की पावर एम कर देंगे यू फंक्शन ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एंड तक हो जाएगा तो देर आर टू वे तो मैं दोनों ही लिख के दिखा रही हूँ यू आर एम सेंग कि यू इज होमोजीनियस फंक्शन दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एम इन हाउ मैनी वेरिएबल्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड एक्स ऑफ एन तो या तो आप इसमें ये दिखाएंगे देखो u किसका फंक्शन है एक्स वन का एक्स टू का एक्स एन का दिस इज इक्वल टू देखिए अगर आप एक्स वन को आउटसाइड लेते हैं किसको आउटसाइड लेते हैं एक्स वन को तो आपका नया फंक्शन किसका फंक्शन बनेगा एक कम फंक् कम वेरिएबल हो जाएंगे एंड एक्स टू बाई एक्स वन एवरी टर्म विल कंटेन एक्स टू बाई एक्स वन एक्स थ्री बाई एक्स वन एंड लास्ट इज़ एक्स एन बाई एक्स वन तो अगर आप अपने फंक्शन को इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो यू कैन से यो यू जो है दैट इज़ होमोजीनियस फंक्शन अच्छा यहाँ पर डिग्री एम बोल रहा है ना मैंने तो यहाँ एम आएगा आपकी चॉइस है इफ़ यू आर टेकिंग एक्स टू आउटसाइड सो एवरी टर्म विल बी डिवाइड बाई एक्स टू मतलब एवरी वेरिएबल डिवाइड बाई एक्स टू तो नया उसका फंक्शन बन जाएगा ठीक है अगर आप टी की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी दे सकते हैं यू ऑफ टी एक्स वन टी एक्स टू मतलब दिस इज़ एवरी वेरिएबल इज रिप्लेस बाय टी एक्स वन एक्स टू इज़ रिप्लेस बाय टी एक्स टू एंड व्हेन यू सिंपलीफाई एंड यू आर एबल टू टेक टी की एम आउटसाइड एंड यू इज़ फंक्शन ऑफ एक्स वन एक्स टू एंड एक्स ओफ एन दिस इज ऑल्सो द जनरलाइज डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एम इन वेरिएबल एक्स वन एक्स टू एन एक्सो फैन ठीक है लाओ एक दो क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें ये करने के लिए कहा जाएगा कि डिग्री निकालिए और क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है तो जाए तो क्वेश्चन फर्स्ट इज यू इज इक्वल टू एक्स की थ्री प्लस वाई की थ्री प्लस जेड की थ्री बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड देखिए वैसे एक शॉर्टकट बताती हूँ कि ऊपर भी पावर एक जैसी नीचे पावर सेम है इन दैट केस दिस इज होमोजीनियस और डिग्री भी ऊपर थ्री कॉमन आ जाएगा नीचे वन कॉमन आएगा तो डिग्री बनेगी टू तो यस दिस इज होमोजीनियस तो हाउ आई से आई विल यूज सेकेंड टर्म आई एम टेकिंग एक्स क्यूब आउटसाइड फ्रॉम द अबो टर्म एंड इट गिव्स मी वाई बाय एक्स की पावर थ्री एंड जेड बाय एक्स की पावर थ्री फ्रॉम द अबो टर्म इन प्लेस ऑफ अबो टर्म वी कैन राइट दिस वन एंड फ्रॉम द बिलो टर्म वी कैन टेक एक्स आउट तो इट गिव्स मी y by x plus z by of x now you can write your function u is equal to in this form x key power 3 hai, 2 hai toh, uh, 3 and 3 minus 1 it gives 2 and in place of this you can write your new function and uh, this is function of y by x and z by x form so you are able to write your function in the form of x key power 2 this uh, f of y by x and z by x तो यू कैन सी हेयर येस इन दिस केस यू इज होमोजनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई एंड जेड ऑफ डिग्री टू ठीक है तो ये आपको स्टेप आना चाहिए रीजन बींग फोर्थ क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फर्स्ट हमारा आइलर थोड़ा मुझे जब अप्लाई करनी है माई फर्स्ट वर्क इज टू आइडेंटिफाई वैदर द गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस और नॉट सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो हर क्वेश्चन में आपको करना है इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई बाई एक्स इन दैट केस यू कैन राइट दिस इज देखो वाई बाई एक्स गिवन है एंड फंक्शन जो आपका कैपिटल एफ है दैट इज गिवन हेयर एफ मतलब एफ फंक्शन आपका क्या है इनवर्स फंक्शन की फॉर्म में है तो यू कैन राइट दिस इज एक्स की पावर जीरो एंड साइन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स तो हेयर एफ कैपिटल एफ फंक्शन इज इनवर्स सो द येस यहाँ पर आप कह सकते हो येस दिस इज होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स एंड बाई एंडर द वैल्यू ऑफ एन इज़ जीरो ठीक है अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और देती हूँ यहाँ पर इफ आई सेट हीय कि यू इज़ इक्वल टू साइन इन वर्स ही अगर मैंने ले लिया क्वेश्चन एंड आई रोट हेयर वाई बाई एक्स के इन दैट केस यू इज़ नॉट होमोजीनियस फंक्शन यू इज़ नॉट हॉमोजिनियस फंक्शन क्यों नहीं है क्योंकि आप इसको y बाय एक्स की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते ये आप ऐसे लिख सकते हो इसको यू गिल्स के जीरो बट साइन इनवर्स बट हेयर y बाय एक्स तो है लेकिन वन बाय एक्स एक्स्ट्रा पड़ा है यहाँ पर ठीक है तो यू कान यू आर नॉट एबल टू राइट दिस इन इन प्लेस आप वैसे भी चेक कर सकते हो कि अगर आपने t ऑफ x कर दिया एंड t ऑफ y कर दिया तो यू आर नॉट एबल टू राइट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ टी की एन एंड साइन इन ऑफ वाई बाई एक्स बिकॉज यू कैन टेक यू अ टी की एंड आउट इफ़ यू रिप्लेस वाई इज इक्वल टू टी ए वाई एंड दिस इज टी एक्स एक्सर तो टी टू टू कैंसर देयर विल बी अ टी इन साइड दिस वन सो यू कॉन्ट राइट दिस इन दिस फॉर्म सो दिस इज़ नॉट हॉमोजीनियस फंक्शन ठीक है अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं ये वाला ये भी बाई चांस यही क्वेश्चन बनेगा देखो यू है हेयर यू फंक् आपको एक फंक्शन जो डिफाइंड है दैट इज गिवन टू लॉग तो ठीक है आपने लॉग कर दिया इफ़ यू आर टेकिंग एक्स की क्यूब आउटसाइड साइड फ्रॉम हेयर सो यू कॉन्ट राइट हेयर वन प्लस वाई बाई एक्स की थ्री ठीक है बट यू कैंट टेक दिस एक्स क्यूब आउटसाइड फ्रॉम लोगर सो यू कॉन्ट राइट दिस एक्स की एन लॉग ऑफ वन प्लस वाई बाय एक्स इस तरह तो लिख नहीं सकते ना लोग रिथम कहते हैं तो ऐसे कोई फार्मूला है नहीं तो यहाँ पर ये आपका जो यू बना है आप कहेंगे नो दिस इज नॉट ए हॉमोजीनियस फंक्शन ठीक है आप इसे इस फॉर्म में नहीं लिख सकते तो दिस इज नॉट होमोजीनियस नाउ कम टू दिस पॉइंट इस क्वेश्चन में देखिए कैसे करेंगे यू इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर वाई की पावर फोर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं देखिए फ्रॉम अबो टर्म यू कैन टेक एक्स की वन बाय फोर आउटसाइड सो फर्स्ट टर्म तो आपकी वन बन जाएगी सेकेंड में एक्स की फोर से मल्टीप्लाई एक्स की फोर से डिवाइड करेंगे तो यू विल ऑप्टेंट वाई की वन बाय फोर अपॉन एक्स की वन बाय फोर यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम बिलो टर्म यू कैन टेक एक्स की वन बाय फाइव आउट साइड इफ़ यू टेक दिस वन तो हेयर एक्स की वन बाय फाइव आउट साइड तो यहाँ आपका वाई की वन बाय फाइव है एक्स की वन बाय फाइव से मल्टीप्लाई किया आपने एक्स की वन बाय फाइव से डिवाइड किया एक्स की वन बाय फाइव आपने आउट साइड ले लिया तो यहाँ आपको क्या मिला वन बाय फाइव आप इस फॉर्मेट को ऐसे लिख सकते हो एक्स की वन बाय फोर माइनस वन बाय फाइव एंड दिस इज़ नथिंग बट वन प्लस वाई बाय एक्स अबोटम है एंड इसकी होल पावर वन बाई फोर यहाँ आपका वन प्लस वाई बाई एक्स है और इसकी होल पावर आपका वन बाय फाइव And this one. This is equal to x to the power 20 LCM 5 minus 4 1 by 20. And this is a function of y by x form. So you are able to write your u as x to the power n and function of y by x. So this implies that u is homogeneous function. So you yes u is my homogeneous function into variable x and y. And the degree of this one is 1 by 20. दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन सम क्वेश्चन वी विल यूज दिस वन ठीक है तो आज के लिए इतना ही सफिशियंट है एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर यानी बी पार्ट आई विल सॉल्व आईलरथोरम एंड अनादर रिजल्ट बेस्ड ऑन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एक्स वाई डिग्री एंड इन एक्स एंड वाई एंड डिग्री एंड इन थ्री वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग